नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज कार्तिक मास का दूसरा सोमवार है। कार्तिक महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भोलेनाथ की आराधना करने से अपार धन लाभ भी होता है। अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से अपार शक्ति तो मिलती ही है, इसके साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। खास तौर से कार्तिक के महीने में सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को मनाने का यह शुभ अवसर होता है। कार्तिक महीने के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से शारीरिक रोग, पारिवारिक झगड़े, पैसों की टेंशन से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं द्वारा कार्तिक मास में सोमवार के दिन पूजा करने से उन्हें शिवजी जैसा वर मिलता है और उनकी शादी में कोई अड़चन नहीं आती है। तो आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास में सोमवार के दिन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। शिवजी की पूजा करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी पूजा खंडित ना हो, और भगवान शिव को किस उपाय से आप आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्तिक महीने के सोमवार को शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। इसके लिए कार्तिक के सोमवार के दिन प्रातः काल में अपने पास के शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग को दूध से स्नान कराएं, और दूध कच्चा होना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, चावल, भांग, सुपारी, बिल्वपत्र और धतूरा चढ़ाएं। इसके बाद शिवजी की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवजी की पूजा करते वक्त यह गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शिवजी की पूजा करते वक्त ताज़ा दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और पूजा खंडित हो जाती है। कार्तिक मास में सोमवार के दिन ये उपाय करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन दीप दान का बहुत महत्व है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ घर में पूजा स्थल में बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें और काले तिल में मिश्रित कच्चा चावल दान करें। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ किसी शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से विवाहित दंपतियों को सुख की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अपने घर के नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर उन्हें पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन भभूत लगाएं और बेलपत्र, धतूरा और शमीपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करने से भी जीवन की समस्याएं समाप्त होती है। यदि किसी को संतान नहीं है तो कार्तिक माह में सोमवार के दिन उन्हें शिव जी का अभिषेक घी से करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करने से सभी दुख और पाप से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह में सोमवार के दिन शिवजी का अभिषेक गन्ने से करने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय के लिए हमारे चैनल से जुड़े